नमस्कार, आप देख रहे हैं DMMPCG न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दमोह जिले के हिंजोरिया से 4 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तिंदनी पर मोटरसाइकिल से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें डॉक्टर अनुराग दत्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक को कंधे, पैर, घुटने और उसके भाई को बहुत ज्यादा सर पर गंभीर चोट आई है। गाड़ी चालक ने बताया, मैं अपने भैया के ससुराल जा रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी बड़ी तिंदनी के पास गुटखा खाने के लिए खड़ी की तो सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने सामने से टक्कर मार दी। मौके पर 100 डायल पहुंची, जहां पर 100 डायल के आरक्षक अमित चौधरी के द्वारा 100 डायल से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया लाया गया। मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक का नाम मनीष चौधरी निवासी कटनी और दूसरे का नाम अमित रजक निवासी कटनी है। अमित को सिर पर टाके आए हैं और मनीष को कंधे, पैर, घुटने में चोट आई है। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया से 108 में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जी बताइए, क्या घटना हुई है? हम यहाँ से जा रहे थे भैया की ससुराल, वहाँ पास हमने गाड़ी खड़ी की गुटखा खाने के लिए, तो बंदे ने सामने वाला आया तो सीधे गाड़ी में ठोंक दिया, सीधे गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी में कितने लोग थे? 2 ही जन रहे, मैं, मेरा भैया। कहाँ कहाँ चोट पहुँची आप लोग? मेरे कंधे में आई, पैर में आई, घुटने में आई है। जो आपके साथ में थे उनके सिर में आ गई है। क्या नाम है आपका? मनीष। पूरा नाम? मनीष चौधरी। निवासी कहाँ के? कटनी सिर चौक जाल भवन। और जो साथ में थे उनका क्या नाम है? गुड्डा। पूरा नाम क्या है उनका? अमित रजा। हाँ सर बताइए सर, जो एक्सीडेंट हुआ है सर, क्या मामला है सर, कहाँ कहाँ चोट पहुँची है? ये 2 व्यक्ति हैं, मनीष चौधरी और अमित रजा जी। ये जो है बता रहे हैं इनके अनुसार कि ये सड़क किनारे खड़े थे, कोई अज्ञात वाहन द्वारा उनको टक्कर मारी गई, जिनको जिसकी वजह से उनको चोट लगी। जो अमित रजक हैं उनको सर पे चोट आई है, जिसकी वजह से उनको टाके लगे हैं, अभी पेशेंट स्टेबल है। और दूसरे जो मनीष चौधरी हैं उनके पाँव में चोट है, सूजन है, इनको एक्सरे के लिए दमोह रेफर किया गया है। सर कहाँ कहाँ चोट पहुँची सर, ज़्यादा गंभीर क्या मामला है सर? चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, उनके द्वारा बताया गया कि ये सड़क किनारे खड़े थे और अज्ञात वाहन ने आके उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से अज्ञात वाहन वाले तो हालांकि मिले नहीं हैं, इसका PMLC बना के पुलिस को सूचना इंडोरिया थाने में दे दी गई है। बाकी पेशेंट का इलाज चल रहा है, पेशेंट अभी स्थिर है।